आप खुद देख लीजिए SSC का क्या हाल है, रोजगार कहाँ, कोई रोजगार नहीं बन रहा है। जब से योगी आया कोई रोजगार नहीं बन रहा है। हम पता करने आए मन की बातें आप लोगों को। मन की बातें अभी नहीं, मन की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। अच्छा, जनता नहीं बोलेंगे? जनता नहीं बोलते। जनता की बातें तो मेन है ना। योगी जी की काम काज से खुश है? सफल रहा, विफल रहा सारे साल? अरे कहाँ सफल रहा, देखो ना कैसे काम है ही नहीं बिल्कुल। क्या पसंद आ गए योगी जी में? बस बढ़िया है वो योगी है, मस्त है। तो बताओ काम तो बताओ। काम बढ़िया है उनके सब काम। तो कुछ तो काम तो गिनवा दो, वे देखना चाहेंगे 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री। इतना पसंद क्यों है आपको? ये काम सही कर रहे हैं। काम सही कर रहे हैं। अच्छा, काम क्या है, ऐसा काम आपको पसंद है? अच्छा ये बता दीजिए आप मुझे, क्या योगी जी के काम का से खुश है? हाँ ठीक है, पता नहीं हमें तो कोई मतलब नहीं है? हमें मतलब नहीं है ज्यादा राजनीति से। राजनीति से मतलब नहीं है? अच्छा, तो राजनीति से मतलब नहीं है लेकिन वोट देने तो जाते होंगे, टैक्स भी तो पे करती है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हमारा कोई टैक्स नहीं, कुछ वोट दिया एक बार। अच्छा हाँ, तो आपको आपका कहने का मतलब है कि राजनीति से मतलब नहीं है, वोट देने के लिए भी जाते हैं? तो यही तो पूछ रहे हो, सरकार किसका बनेगा? वोट तो देते ही है। 22 में तो शायद योगी की बनेगी। योगी की बनेगी? योगी का क्यों बनना चाहिए या क्यों बना रहे हैं? बढ़िया है क्या? नहीं यार, बढ़िया है बस, वो बढ़िया है। हाँ जी, तो ये तो बता दो। हाँ नहीं, ये बता रहे बढ़िया है तो बेमिसाल रहा है या बेहाल हो रहा है जनता? बस सही है जनता, और क्या चाहिए जनता को, सब मिला जनता को। अच्छा सब मिल रहा है जनता को। हाँ ये बता दो, पढ़ाई कर रहे हो लग रहा है मुझे? हाँ जी। कौन सी क्लास में? मैं 9th। 9th में? अच्छा ये बता दो, इतना अच्छा लगा, आप भैया से ज्यादा आप तो छोटे हो लेकिन आपने फटाफट बोला कि बढ़िया हो रहा है। क्या पसंद आ गए योगी जी में? बस बढ़िया है वो योगी है, मस्त है। तो बताओ काम तो बताओ। काम बढ़िया है उनके सब काम। तो कुछ तो काम तो गिनवा दो, एक दो काम मुझे, तीन काम गिनवा दो। बढ़िया लगे हैं बस। तीन 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 बस सब काम तो सब बढ़िया ही हैं मेरे भाई। मैं काम पूछ रही हूँ, सब बढ़िया काम होता है। एक बात बताइए, गोलगप्पे लगे हुए हैं, अगर आलू टिक्की भी है, है ना, आगे मोमोज भी मिलेगा, उसमें से कोई एक चीज तो अच्छा लगता है ना हमें, है ना? तीन चीजें हम गिनवा देते हैं। तो ये तो बता दो कि योगी जी का काम पूछ रहे हैं भाई, क्या वो हॉस्पिटल कॉलेज या क्या क्या बनाया है, नहीं बनाया वही तो पूछ रहे हैं। हाँ बस सब बढ़िया है, हमें तो बस यूँ पता यूँ पता है यूँ पता है हाँ यूँ पता है तो यूँ तो गिनवा तो दो, यूँ पता है क्या काम गिनवा दो भाई। काम हमें ना पता, हमें तो पता बढ़िया है बस। ठीक है बस। अच्छा आप बता सकते हैं? नहीं काम हम तो सारे बढ़िया ही है, सारे बढ़िया है, एक काम नहीं गिनवा पा रहे ना। चलो और ये बाकी दूसरे लोग गिनवाएंगे। उनसे पूछ लो, 100 गिनवाएंगे। चलिए हम इनसे पूछते। अच्छा भैया ये बताइए, योगी जी का काम कैसे, खुश है? हाँ खुश है। खुश है भाई, काम बता सकते भैया? तो खुश है, वो बता रहे कि आप 100 काम गिनवा देंगे। कौन बता रहे हैं 100 में? गिनती करवाइए उनसे, गिनती करवाइए। अच्छा वो लोग तो नहीं बता पाए भैया। तो 2022 में सत्ता किसके हाथ में देने पे, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये अभी नहीं बताएंगे, सीक्रेट है एकदम। अच्छा अभी कौन बताएगा? हम पता करने आए मन की बातें आप लोगों को। मन की बातें अभी नहीं, मन की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। अच्छा जनता नहीं बोलेंगे? जनता नहीं बोलते, जनता की बातें तो मेन है ना। जनता चुनाव के वक्त में बताते हैं मन की बात। अच्छा मन के चुनाव के वक्त में बताएंगे। अच्छा इस अभी नहीं बताना है? अच्छा आप ये देखिए, जनता मन की बात नहीं बताना चाहते, चलिए हम और भी जनता से पता करते हैं। भैया ये बताओ, 2022 में यूपी में इलेक्शन होने वाले, तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? केजरीवाल को देखना चाहेंगे। केजरीवाल को देखना चाहते? वो तो दिल्ली में है, इसमें चुनाव लड़ेंगे, लड़ने आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल मुझे पता है, तो केजरीवाल को चाहते हैं। केजरीवाल को चाहते हैं तो यानी कि आम आदमी पार्टी को चाहते हैं आप यहाँ पर? तो आप क्यों चाहते हैं आपकी यहाँ पर आम आदमी पार्टी काम करे, क्योंकि संजय सिंह यहाँ की प्रभारी भी है, तो आप क्यों चाहते हैं, कि क्या ऐसी क्वालिटी देखा है केजरीवाल को जो कि यूपी में चाहते हैं? केजरीवाल एजुकेशन में बढ़िया कर रहा है, और जो विकास अभी दिल्ली में देख रहे हैं ना, हॉस्पिटल्स की हालत जो पहले थी अब कितना चेंज हो गया, इसलिए हम चाहते हैं कि केजरीवाल यूपी में आए और यूपी में भी स्कूलों की हालत, कॉलेजों की हालत अच्छी हो। अच्छा अच्छा मुझे ये बताइए कि योगी जी ने क्या काम नहीं किया जो आप केजरीवाल को चाहते हैं, जो स्कूल हॉस्पिटल्स में? यूपी जैसे पहले था वैसे अभी भी है, कोई चेंज नहीं आया उसमें। अच्छा इसी वजह से आप लोग चाहते हैं। देखिए ये युवा है, क्या रोजगार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आप खुद देख लीजिए SSC का क्या हाल है,
रोजगार कहाँ, कोई रोजगार नहीं बन रहा है जब से योगी आया, कोई रोजगार नहीं बन रहा है। देखिए लोग इस बार मुद्दे पे बात करना चाहते हैं और मुद्दा यही है कि हॉस्पिटल्स, कॉलेज, रोजगार, रोटी रोजगार के ऊपर जब बात होते हैं तो आप जान सकते हैं कि युवा का मूड क्या कहते हैं, युवा क्या कह रहे हैं। हम सीधे आपसे बात करवा रहे हैं, ये जनता है, जनता बात कर रहे हैं आपसे। आपसे मैंने बात हो गई है, ठीक है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगी। एक सर एक क्वेश्चन है, क्या 2022 में सत्ता बदल जाएंगे यूपी में या फिर से योगी जी वापस आएंगे? नहीं, कुछ कहेंगे क्या? योगी जी के काम करके खुश है? खुश है, हम खुश है, खुश है। तो 2022 में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? अच्छा, फिर से वापस देखना चाहते हैं? हाँ, खुश हो जाता है। क्यों, इतना पसंद क्यों है आपको? काम सही कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं। अच्छा, काम क्या, ऐसा काम आपको पसंद है? किसी राज्य में कभी दंगे नहीं हुए है, उसके विकास का काम भी हो रहा है, किसान खुश है, सब खुश है इनसे है। किसान किसान यहाँ पर बॉर्डर में तो बैठे हुए, वो गलत है, वो गलत कर रहे हैं। तो तीन काम गिनवा दीजिए जो आपको खुश है, जो उनके राज्य में कभी दंगे नहीं हुए, विकास का काम हो रहा है, किसान खुश है, सब मित्र खुश है। विकास में क्या विकास हुआ है? विकास में कंपनी आ रही है, बिजली मिल रहा है, सब काम सही हो रहा है, अस्पताल में सब काम सही हो रहा है। हॉस्पिटल्स में, अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में जैसे अभी हम कोरोना काल में देखा है, ऑक्सीजन की कमी दिखाया गया है, फिर उसके बाद डेड बॉडी पूरा गंगा में दिखाई दे रहे थे, वो कुछ अफवाह फैलाया गया है। अच्छा, हाँ, कुछ काम, जो काम सही किए इनका सराहना पूरा विश्व के आदमी किया है। अच्छा, ये काम सही किए योगी जी। अच्छा, इसीलिए आप उनको चाहते हैं दोबारा? हाँ, ठीक है, चलिए हम लोग भैया से पता करते हैं। भैया, 2022 में अगला मुख्यमंत्री किसका देखना चाहेंगे यूपी में? जो बन जाए उसकी सरकार अच्छी है, जो तो काम तो सभी के करते हैं थोड़ा बहुत, जिसका जो अच्छा काम करेगा वही बनेगा। अच्छा, अभी योगी जी है, योगी जी का कामकाज खुश नहीं है? आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। उनके कामकाज से खुश है? हाँ जी, खुश हैं। तो उन्हीं को देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे। अच्छा, उन्हीं को देखना चाहेंगे आप? इसको देखना चाहेंगे 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री? अब जो जैसा बढ़िया काम करेगा वही हिसाब से बनेगा। तो योगी जी अभी है तो ये काम नहीं कर रहे? ना, काम भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो फिर इन्हीं को वापस लाना चाहते हैं या सत्ता बदल देना चाहते हैं? अब वो तो समय बताएगा मैडम, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा सही, जो जब टाइम पास में आ जाएगा तब पता लग जाएगा सही। टाइम पास में तो काम काज आप पूरा, अभी तो 4.5 साल हो ही चुके हैं, जनता ने देख भी लिया है तो उसमें पता तो कर सकते हो। हाँ, थोड़ा आप मुझे ये बता दीजिए कि ऐसा क्या काम आपको अच्छा लग रहा है उनका? अकेला वोट से तो कुछ नहीं होता, लेकिन काम तो सबका, किसी का भी नहीं अच्छा लगता मैडम जी। काम तो किसी का नहीं अच्छा, वो अपने वोट का कीमत तो बहुत होते हैं। हाँ, तो वो तो होगी, एक ही एक से, एक ही एक से वोट से जीतेंगे वो। जब सागर बनते हैं, सत्ता होते हैं, ठीक है जी। तो कोई आपको पसंद किसी का भी नहीं है? तो पसंद का था, मायावती भी थे, कांग्रेस भी था। आप जो देखो मैडम, अभी से हम कुछ नहीं बता सकते हैं, जब वो चुनाव का टाइम पास में आ जाएगा तभी बता जाएगा। लहर में जाएंगे? हाँ। अच्छा, जिसका लहर आएगा उसको लहर जाएंगे। अच्छा, ये बात है। आप किसका देखना चाहेंगे भाई? बताओ भैया। हम कुछ नहीं बता, हमें पता ही नहीं। हाँ, हमें नहीं पता क्या बोले। पसंद तो होगा, क्या पसंद होगा? जैसे योगी जी का काम काज पसंद है, नहीं पसंद है, काम हुआ है, नहीं हुआ है? हाँ, योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे? अच्छा, उन्हीं को ही लाना चाहते हैं? उन्हीं को लाना। तो काम ठीक है उनका? बढ़िया। क्या काम बहुत अच्छा लगा आपको? हमको यही अच्छा लगा, सही कर दिया, हर किसी को वो कर दिया, वाहन के लिए बना कर दिया। इतनी मौतें होती थी वो भी कम हो गई हैं। अच्छा, ये भी हो गया। भैया, 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? आदित्यनाथ। सही है, सही है। एक ही बात झटके से बता दी, हो गया आदित्य, मुझे लग रहा है बहुत खुश है। ऐसा क्या काम अच्छा लग गया भैया? तो ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। काम बता नहीं पाएंगे? काम भी सही है, काम भी सही है। कुछ काम जो ऑटो ड्राइवर के लिए करा है? अच्छा, सही है। क्या क्या है? सब कुछ सही है, चल रहा है उनका। अच्छा, काम नहीं बता पा रहे लेकिन सब कुछ सही है। सर आंधे, आप मुझे बता दीजिए कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, योगी जी के काम काज से खुश है, सफल रहा विफल रहा 4.5 साल? अरे कहाँ सफल रहा, देखो ना कैसे काम है ही नहीं, बिल्कुल काम नहीं है। हाँ मैडम, परेशान है। सत्ता बदल जाएंगे क्या इस बार? अब क्या पता, हम इस ये तो कह नहीं सकते मैडम। देने वाले आप ही लोग, वोट देने वाले और जनता ही बिठाने वाले हैं। हाँ, वो तो बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन अब हम कैसे कह दें कि बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? तो आपका मन में तो कोई होगा बदलने वाला? तो अभी लोग हैं, बदल देंगे। अब जो परेशानी है वो तो नहीं देगा ना वोट उनको। अच्छा, अब इस टाइम अब जो
किसको किसके ऊपर उम्मीद है कि जिसका सरकार बनने से आप लोगों के लिए अच्छा होगा? मायावती है, अखिलेश है, फिर इसके बाद आम आदमी पार्टी भी आ रहे हैं। अब इससे तो पहले सही था, काम तो मिल जाता था, मान लो काम मिल जाते थे, कांग्रेस भी है। हाँ तो ही तो पहले सही था, अब तो पहले सही थी, पहले किसकी टाइम में सही थी परेशान? अब तो कांग्रेस में तो सही था ना। अच्छा कांग्रेस में सही था, तो कांग्रेस कई लाने वाले है क्या फिर से? अब देखो क्या हो। तमाम लोगों की तमाम तरीके की राय आपने देखा है, लेकिन बात यही है कि जनता की जो मुद्दा है कहीं ना कहीं चुप ना जाए। जनता को भी ये देखना है और नेताओं को भी ये देखना है, जब वोट मांगने के लिए हर गली हर मोहल्ले हर घर तक पहुंच जाते हैं तो आखिर में जो सरकारी सुविधा है तो वहां तक क्यों नहीं पहुंचते? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जनता को भी समझना पड़ेगा और ये नेता को भी समझना पड़ेगा कि जनता के भलाई की वादा करके सत्ता में आते हैं तो फिर क्यों काम नहीं होते? विधानसभा इलेक्शन 2022 में क्या होने वाले हैं? क्या योगी आदित्यनाथ अपने सिंहासन बचा पाएंगे या सत्ता बदल जाएंगे? ये वक्त बताएंगे। तब तक आप लोग आप बने रहिए।